अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अन करीब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से रमज़ान आने वाला है, हमारी खुशियाँ, और बल्कि ये ऐसा महीना होता है जिसमें हमारे सारे गुनाह अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं और इतना सवाब मिलता है आपको एक एक छोटी छोटी सी बात पे, अच्छा काम करने पे, छोटी छोटी सी चीज़ों पे आपको जो अल्लाह पाक इतना ज़्यादा सवाब देता है, ये अल्लाह पाक का करम है। बिल्कुल। और बाकी आपको नींद आ रही है? नहीं, वो बस मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, इतना मतलब सुकून मिल रहा है। और हम हाईवे भी छत पर हैं और हमने सोचा कि हम मुर्गियों को दाना भी डाल दें और फिर एक वीडियो भी बना लें। तो हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि आजकल मसरूफियत बहुत है क्योंकि रमज़ान करीब है, तो रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं, तो जिसकी वजह से हम कोई व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पा रहे, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लाते रहें। तो आज हम छोटा सा व्लॉग बना रहे हैं। आज मैं बनाऊंगी एक बहुत मजेदार स्वीट डिश, वो भी स्पेशली रमजान में आप बना सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो रमजान के लिए मैं आपको वो डिश सिखाऊंगी बनाना, तो आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और आप हमारे साथ रहें और आज का व्लॉग देखते रहें और मुझसे सीखते रहें कि मीठा कैसे बनाना है। हाँ जी, और बाकी जो है ना लाहौर कलंदर का आज मैच भी है। हाँ जी, आज PSL भी है, फाइनल मैच फाइनल है। अब देखते हैं लाहौर जीतता है के मुल्तान। कराची तो वैसे ही बाहर हो गया ना सबसे पहले। कोई बात नहीं, मैं लाहौर की भी हूँ और कराची की भी। ओके। अगर कराची जीतता तब भी खुशी होती, लाहौर जीतेगा तब भी। तो अब ये है कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक लाहौर को जिता दे। आमीन। इंशाल्लाह लाहौर आज जीतेगा। पूरा मुल्क पाकिस्तान है सब है, लेकिन हम लाहौरी है ना, तो हम तो लाहौर को जिताएंगे। ठीक है, लाहौर जीते। ओके, दुआओं में याद रखें अभी, और आप हमारे साथ हमारे साथ रहे, और आपको बताते हैं कि स्वीट डिश हमारी कैसे बनेगी और और ये हमारे साथ बहुत ही प्यारी आयत, ये आप देख सकते हैं आयत को, हुरैन थोड़ा उछो, रैन को मैं पकड़ता हूँ, इधर दिखाओ, आपसे नहीं पकड़ा जा रहा, आयत को आप पकड़ो। आयत भी माशाल्लाह से मोटी ताजी हो गई है, बचपन में छोटी सी थी। हाय कर दो। और मैं क्या हूँ आपका, आपका मैं क्या लगता हूँ आयत? बोलो तेज बोलो। क्या लगता हूँ? बस भाई ओके। और रैन मैं क्या लगता हूँ आपका? चाचू चाचू। डिंपल कोई नहीं है हमारी, डिंपल पड़ते हैं इसके, अच्छे लगते हैं ना। चलो चलें, आप साथ रहें और देखते रहें लाइबा और अहमद को। ओके। तो अब हमने जैसे कि आपको पता है इतनी प्यारी और अच्छी डिश बनाई है, और अब ये कि हमने उसको फ्रीजर में रख दिया है, अब ये एक घंटा या दो घंटे बाद हम निकालेंगे। तो आप हमारे साथ रहें और देखते रहें लाइव और अहमद को। ओके। सो गाइस, ये है जो हमने बनाया था, बहुत ही टेस्टी लग रहा होगा आपको भी। और अभी मैं GFC से बिरयानी ले आया था क्योंकि मुझे ये भूख लग गई थी, और ये GFC का बर्गर ले आया मैं ठंडे वाला। ठीक है, और ये जो है मैं देख रहे हैं चिकन वाली, और ये लाइबा है आ रही हैं। अभी मैं ना इसको फ्रीजर में रख के सो गई थी, मुझे नींद आ गई, एक घंटा हमने इसको फ्रीज किया है, और अब मैं सो के उठी तो मुझे बहुत भूख। तो हमेशा की तरह इस बार भी हमारी हो गई आवाज़ बंद, और मैं यहाँ कह रही हूँ कि मैं जब सोकर उठी
तो मैंने अहमद से कहा, अहमद आप जी KFC से जल्दी से कुछ ले आएँ, क्योंकि घर में बना था शलजम गोश और शलजम मैं नहीं खाती, तो फिर इसलिए अहमद लेकर आए। कमाल। मजा आ गया यार, वो मजे का बना है। आजमी ट्राई करेगा और भाई को याद करेंगे जब मैं ये बोल रहा हूँ ना, कि लाजमी ट्राई करेंगे। देखो बहुत मजे का बना है, अब हम खाते हैं। सो गाइस, लाहौर जीत गया और बहुत ही मुश्किल से जीता है। मेरे तो दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई, क्योंकि 4 घंटे मैच मैंने स्टिल देखा और बड़ी मुश्किल से जीता है। यकीन माने दिल की धड़कने ऐसे आ रही जा रही, और लास्ट बॉल पे जो है कि कहते हैं 4 स्कोर रहता था और 1 रन से लाहौर जीता है, और बड़ी मुश्किल से जीता है। और ये आप देख सकते हैं खुशी, और लाइबा तो जाके जो है ना वो रेस्ट कर रही है, क्योंकि वो थक गई है, सुबह शूट भी है हमारा। तो आज की डिश आपको कैसी लगी? और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी जो है ना छींक आ गई, तो मैं आज जो है बहुत खुश हूँ, और काफ़ी जो है ना आज बस बता नहीं सकता, बड़े मुश्किल से जीता लो, और लेकिन अल्लाह पाक के करम से। ओके अल्लाह।